नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं ब्रह्मेंद्र। वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। यह ट्रेन प्रतिदिन देवघर से वाराणसी और वाराणसी से देवघर एक एक फेरे लगाएगी। और नवादा स्टेशन पे आज जो इनॉग्रल ट्रेन थी उसका को हरी झंडी दिखा करके बनारस की ओर रवाना किया। नवादा के सांसद विवेक ठाकुर, नवादा की विधायक विभा देवी, बार्सलिंग विधायक करुणा देवी, भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल मेहता, जदयू के जिलाध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी सहित बहुत सारे नेता कार्यकर्ता उस दौरान मौजूद थे नवादा स्टेशन पे। जैसे ही ट्रेन पहुंची, हजारों की संख्या में उत्साही भीड़ जो है सो ट्रेन का दीदार करने के लिए खड़ाई थी, वहां पे पहुंची हुई थी नवादा स्टेशन पे। सब लोग जो है सो आपाधापी मची हुई थी कि हम ट्रेन के कोच में प्रवेश करें। इंजन में जो है पायलट का वहाँ पर पहुँचे, अंदर में प्रवेश किए, फूल माला वगैरह जो भी है, धूप अगरबत्ती जो इनॉग्रल का जो होता है वो किया गया। करीब 20 मिनट का स्टॉपेज दिया गया था आज इनॉग्रल ट्रेन का नवादा स्टेशन पे। 2:15 में वो ट्रेन उससे पहले ही कहीं पहुंच चुकी थी। 3:15 में ऐसे पहुंचना था और 3:35 बजे रवाना होना था। पहुंची भी पहले और 3:35 बजे रवाना हुई। हरी झंडी दिखा करके सांसद विवेक ठाकुर ने गंतव्य वाराणसी की ओर रवाना किया। ज़बरदस्त माहौल था और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बात और दोहराई। मीडिया कर्मियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो झांकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और इस दौरान लगे हाथ उन्होंने कह दिया कि बुद्ध पूर्णिमा का परिचालन भी जल्द शुरू होने जा रहा है इस रेलखंड पे। मतलब कि समझिए वाराणसी से जो गया और पटना होते हुए राजगीर तक आती थी, अब वो नवादा होते हुए संभवतः खगड़िया तक जाएगी। तो बुद्ध पूर्णिमा का परिचालन भी शुरू हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवादा से पटना के लिए भी बहुत जल्द ट्रेन उपलब्ध उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मतलब एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है कि जब तक ये नवादा से बिहार से रेलखंड जुड़ता नहीं है तो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नवादा को पटना से कनेक्ट किया जाएगा किसी न किसी ट्रेन के माध्यम से। तो क्या कुछ माहौल रहा और सांसद ने क्या कुछ कहा, अगर उनका बयान सही से रिकॉर्ड हुआ तो हम आगे आपको सुनाएंगे। आपको लिए चलते हैं नवादा स्टेशन। आप देखिए वहाँ का क्या माहौल रहा। ज़बरदस्त उत्साह, ज़बरदस्त लाभ, ग्रैंड वेलकम हुआ वंदे भारत का। आपको लिए चलते हैं नवादा स्टेशन की ओर, आपको दिखाते हैं वहाँ का तस्वीर वीडियो। इस दौरान नवादा जिला भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं डॉक्टर महेश कुमार, इसके अलावा पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, डॉक्टर सुधा शर्मा सहित शहर के कई सारे गणमान्य लोग मंचासीन दिखे, कार्यक्रम के दौरान दिखे। सभी में गजब का उत्साह था वंदे भारत ट्रेन को लेकर। विवेक ठाकुर जिंदाबाद, विवेक ठाकुर जिंदाबाद, विवेक ठाकुर जिंदाबाद, ठाकुर जिंदाबाद, विवेक ठाकुर जिंदाबाद। सतर्कता सुरक्षा जरूरी है क्योंकि भारी संख्या में लोग रेलवे ट्रैक के पास जमे हुए हैं, ऐसे में ट्रेन को आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ट्रेन बढ़ चली है और लोग अब ट्रैक छोड़ना शुरू कर चुके हैं। काफी भीड़ है। ट्रेन भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ, ट्रेन धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। मीडिया कर्मियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। Yeah!
बस मरी बिचन मरी चलिए ट्रेन अपने गंतव्य की ओर जा चुकी है। बता दें कि ये इनॉग्रल ट्रेन है, मतलब आज से उद्घाटन हुआ है और कल से ये ट्रेन अपने निर्धारित समय पे चलना शुरू होगी। प्रति सप्ताह में 6 दिनों का परिचालन इस ट्रेन का है, एक दिन मेंटेनेंस के लिए ये ट्रेन नहीं चली। 8 कोच की ये ट्रेन है और फुल एसी, हर तरह की। के लिए और क्या क्या है रेलवे से जुड़ा हुआ? जोर से बोलिए आपके पिटारा में और क्या क्या है नवादा के लिए? मतलब अभी तो झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। विवेक ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, विवेक ठाकुर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हफ्ता भर के अंदर में हमको उम्मीद है कि बुद्ध पूर्णिमा का भी आपको जो है औपचारिक शेड्यूल आ जाना चाहिए, अंतिम चरण पे है उसका। आपको अमृत का स्टेशन का ये जो स्वरूप है ये अभी नहीं है, जो अंतिम स्वरूप है उस पर आप सीढ़ी पे चढ़ के नहीं आइएगा, आप एस्केलेटर पर आइएगा चढ़ के। और दोनों तरफ टिकट काउंटर यहाँ पर खुलने जा रहा है, उसके साथ साथ नवादा सिर्फ का जो डायरेक्ट लाइन का जो बिहार शरीफ से जोड़ने का है उसका डीपीआर का रेलवे बोर्ड से अंतिम स्टेज पर काम है, वो भी शुरू होने जा रहा है। अब है कि वो बड़ी परियोजना है तो उसमें टाइम लगेगा, उसके बीच में वैकल्पिक व्यवस्था की यहाँ से पटना तक न्यूनतम समय में यहाँ से लोग जा सके, इस पर भी तीन पहलू से रेलवे काम शुरू कर रहा है, वो भी आपको आने वाले समय में दिखने लगेगा। हो सकता है कि राजगीर इंटरसिटी जो है नवादा जिला में भी आ जाए और यहाँ से भी आरम्भ हो। कुछ लोगों का कहना है कि ये अमीरों के लिए ट्रेन है, गरीब ट्रेन है, कमी हो रही है सर, नॉर्मल ट्रेन में। ये बताइए आरोपी की मांग क्या थी? शहर में जाम लगता था, जाम पैदल चलने वाले के चलते लगता था कि दो पहिया और चार पहिया वाले के चलते लगता, दो पहिया चार पहिया, तब वो कहाँ से आ गया? हाँ यस सर सही बोल, उसमें कोई उसके बिकवाली में कमी आ रही है क्या? नो सर, आरओबी का आपको टेंडर जो है तुरंत होने जा रहा है और जो नवादा का जो बाईपास कहिए या उसको राष्ट्रीय राजमार्ग, उसको एक अलग शब्द स्पर के रूप से परिभाषित करता है, तो दोनों भारत सरकार बिहार सरकार दोनों इस पर काम कर रही है, जल्दी इसकी भी घोषणा होगी, लगभग 150 करोड़ का वो प्रोजेक्ट होगा। इसलिए आने वाले समय में आपको जो मैं चुनाव में कहा था कि एक सकारात्मक सोच के साथ जा रहा हूँ, इस चुनाव में जो प्रधानमंत्री की कल्पना है विकसित भारत की, उसके साथ विकसित नवादा का संकल्प किया था, वह नवादा के विकास का पहिया चल पड़ा है, अब रुकने वाला नहीं। नवादा से वंदे भारत ट्रेन जो है दो धामों को जोड़ने के लिए
एक अच्छी पहल हो गई और आज से नवादा के लिए बहुत बढ़िया ट्रेन हो गया। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्या क्या अच्छा है इसमें बताओ, क्या क्या अच्छा है? सब चीज अच्छा है, सब चीज अच्छा है। चलेगी इस पर? हाँ। क्या जाएगी? देवघर की काशी बताओ। देवघर, देवघर। देखिए तो सांसद विवेक ठाकुर, भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल मेहता, जदयू के जिलाध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी, विधायक अरुणा देवी, नवादा विधायक विभा देवी, सारे लोग इंजन में सवार हो चुके हैं और कुछ देर का कार्यक्रम है मोहनगर का। भारी संख्या में पब्लिक तो है ही, सरदार अखिलेश अरुणा देवी के प्रति पूर्व जिला पार्षद वो भी दिख रहे हैं, बुके माला जो सारा का आदान प्रदान हो रहा है। तो चलिए देखते हैं दूर से ही, भीड़ भाड़ में गर्मी बहुत ज्यादा है। कम है, ठीक है जी, बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, है ना? यात्रा करना पसंद करेंगे जी? एकदम बिल्कुल। सांसद पब्लिक का अभिवादन कर रहे हैं विवेक ठाकुर। अरे हम घुस के निकल गए, थोड़ा सा इधर से ही आपको दिखाते हैं। चलिए, नवादा के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग को वंदे भारत मिला, इसमें विवेक ठाकुर जी का बहुत बड़ा उपलब्धि रहा, एमपी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। स्पेशल ट्रेन, इनॉग्रेबल ट्रेन जो कि आज उद्घाटन के लिए स्पेशल रूप से आई है और कल से नियमित इस ट्रेन का परिचालन होगा। टिकट भी यात्रियों ने कटाना शुरू कर दिया है और ये ट्रेन आ चुकी है। अब लोग इसके रैक में के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर एक नज़र देखने का कैसी है ट्रेन वंदे भारत, देखिए क्या स्थिति, जबरदस्ती लोग घुस रहे हैं इसके अंदर।
बार्सिलियन से थे क्या यहाँ घुसे? मैं बनारस जीते के अब देवघर के नहीं थे यार, उल्टा। एक मिनट आप देख सकते हैं ये पेंट्री के रूप में है और देखिए कैसे कैसा लग रहा है बताइए। अच्छा लग रहा है। आप देवघर जा रहे हैं क्या? आप लोग स्टाफ हैं क्या साथ में? क्या कुंदन जी क्या ट्रेन के बारे में? बहुत अच्छा है। तो सस्ता है महंगा है? महंगा तो है ही है। चावल बेच के नहीं होगा? चावल बेच के कांग्रेस का ट्रेन में है ये? कांग्रेस का ट्रेन में? अरे बता बाबू बता ट्रेन के बारे में बता। बहुत अच्छा है। कुछ कैसा लग रहा है? ट्रेन तो बहुत शानदार है, होना भी चाहिए था क्योंकि नवादा के लोग कैसा फील कर रहे हैं? नवादा के लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और जरूरी भी है नवादा के लोगों के लिए इस ट्रेन को, क्योंकि पहले भी काशी से लेके बाबा धाम तक का जो भी एक ट्रेन चलती थी वो बीच में बंद कर दिया गया था। वंदे भारत उसके लिए बहुत जरूरी था। समय से पहले आ चुके हैं, 3:15 में आना था लेकिन करीब 3:05 में ही ट्रेन आ चुकी है और देख सकते हैं कि हम और पीछे चल के देखते हैं बैद्यनाथ वाराणसी जंक्शन देख सकते हैं। बहुत बहुत खुशी है, नवादा का विकास अब विवेक ठाकुर के द्वारा होगा। जो कमी रहा है वो विवेक ठाकुर करेंगे, कोई एमपी जो छूटा है एमपी नहीं किए हैं विवेक ठाकुर करेंगे और कोई नहीं करेंगे। नवादा को जो सौगात मिला है हम लोग कल्पना नहीं किए थे वंदे भारत हमारा नवादा शहर में आएगा। हम लोग बेहद खुश हैं, तमाम नागरिक यहाँ का खुश है। जब लोकसभा का इलेक्शन शुरू हुआ था तो विरोधी लोग नारा लगाते थे कि विवेक ठाकुर बाहरी है, आज वो कहने वाले लोग आज आँख खोल करके देखे कि विवेक ठाकुर बाहरी थे या नवादक थे। उनके द्वारा किया गया प्रयास और जो आगे भविष्य में होगी वो भी देख करके उन लोगों की एक जवाब है वंदे भारत ट्रेन। धन्यवाद। यह ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टाटा नगर से 11 ट्रेनों को वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया गया, उसमें यह ट्रेन भी शामिल थी देवघर से वाराणसी। नवादा स्टेशन पर ही उत्साही व्यक्ति मोदी जी के समर्थक देखिए किस प्रकार से कटआउट लेकर के खड़े। मोदी है तो मुमकिन है, वरना ये देखने को सपना नहीं मिलता। आज सपना पूरा हुआ है इन्हीं के बदौलत। यह हमारा भारत का शेर है, इसको साधुवाद धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हम तो कहते हैं कि करोड़ों भारतीयों का ही प्रेरणा का स्रोत है, ये ऐसा ही काम करते रहें, हम जिंदगी भर इनको जिताते रहेंगे।